पसंद रहे उस घर की होती सफाई और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। एक खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। हाँ खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। अरे प्रीत पूर्वक रहती घर में करती नहीं लड़ाई। हाँ प्रीत पूर्वक रहती घर में करती नहीं लड़ाई। समझो शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा में कम मत रखो, पीछे मत रखो। हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ो पक्षपात हो रहो। घर में लड़का पैदा भाव ढोल बज रहो और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जाए रहो मानो जाके मुंह पे कोई ने जूता मारे। क्यों? एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। बाने देवकी के लला जब पैदा हुई है तब मारे। आजकल के कंस तो पैदा ही नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है पेट में हत्या कर दी। क्यों मारते हो बेटियों? दहेज न देना पड़े, दामाद न ढूंढना पड़े। इतने पंडाल में बैठे हो खड़े होकर कहो कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी हमें गरीब कर गई। लड़की कभी गरीब नहीं करती लेकिन दुख है इस बात का कि आज इन बेटियों को पेट में ही मारा जा रहा। बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। अरे बोया वाले हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। ए पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। लोगों लड़कियों की हत्या रुक नहीं रही है। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है। हरियाणा में 100 लड़का है तो 50 लड़कियां और राजस्थान में 100 लड़का है तो 58 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कितनी कमी है जानते हो? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के कहां जाएंगे? इतनी कमी है लड़कियों में। 10 साल लड़कियों की हत्या ना रुकी तो बेटियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। याद रखो लोग, बहनाओ तुम कैसी मां हो जो अपनी बिटिया को पेट में मार देती है? ध्यान रखना, बेटियों को पेट में तुमने मारा तो 7 जन्म तक तुम औलाद का मुंह नहीं देख पाओगे। भागवत सुनने आई हो? और ये आधार तो तुम्हें होश में करने आया है, तुम बेहोश की नींद में। बेटियां किसी को गरीब नहीं बनाती। जिस घर में बेटियां होती उस घर में लक्ष्मी होती। भाइयों बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। ध्यान रखो
अरे बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो, राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है। एक दिन महारानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त हुई। वो मासिक धर्म से निवृत्त हुई तो उन्होंने स्नान किया, कपड़े बदले, सोलह श्रृंगार करके बैठ गई। महाराज उग्रसेन आए, हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे की भपन देख करके महाराज मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? नीचे घूंघट करके महारानी बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में हमें ले चलो, ओए गो भलो सुनो हितकारी, संतन के दर्शन करके अब तो झोली भरे हमारी, जंगल में चलो, जंगल की पावन हवा का पान करूंगी और संत महाराज महात्माओं की कुटिया पर धर्म से झोली भरू। हर को रूप है संत, सुनो भगवान तो बात उचारी, और सुन रानी के बेनरे के गिरा तो हायु चारी, मुकदमे ऐसे अधूरे हैं जो आज हमें निपटाने हैं। चले पुरवाइया मस्त हवासी, तुम कर ले एक उपाय, वो संग सहेलिन को बल्ले की और जंगल को जाइयो सीधा, बहुत तू हर शाम